नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी फिल्म के रिलीज़ होने के बाद उसे OTT पर रिलीज़ किया जाए और OTT पर देखकर उसे दोबारा से थिएटर में रिलीज़ करने की मांग सामने आए। इसके चलते एक दिन की स्ट्रेटेजी पर उस फिल्म को दोबारा से रिलीज़ किया गया हो और धीरे धीरे एक एक करके उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महीनों का रन टाइम कम्प्लीट कर लिया हो, मगर ये कारनामा आज की तारीख में SS राजामौली की फिल्म RRR कर चुकी है। हमारे देश में हॉलीवुड फिल्मों का हमेशा से बोलबाला रहा है। मार्वल और DC से लेकर क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्में हमारे देश में तगड़ा बिजनेस करती आई हैं। हॉलीवुड फिल्मों का एक बड़ा मार्केट इंडिया में काफी लंबे समय से रहा है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ये हॉलीवुड की हिंदी डब फिल्में इंडियन फिल्मों को डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर बीट करके भी चली जाती है। वहीं इसी के विपरीत हमारी फिल्मों को हमेशा से कमतर आका गया है। इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन फिल्मों को हमेशा से एक तरह से बॉलीवुड ही रिप्रेजेंट करता आया है। यही वजह रही कि इन फिल्मों को वो सफलता नहीं मिली जो वहां की एवेंजर, स्पाइडरमैन, बैटमैन और अवतार सरी की फिल्मों को हमारे देश में मिली। मगर आज एक फिल्म आ चुकी है जिसका हॉलीवुड या यू कहें कि USA में जबरदस्त क्रेज हो चुका है। वहां की ऑडियंस से लेकर फिल्म रिव्यूअर और इवन हॉलीवुड के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इस फिल्म को लेकर तारीफें करी और बताया कि RRR ने उन्हें जो थिएटर एक्सपीरियंस दिया वो अद्भुत था। दरअसल जब इस फिल्म को OTT पर रिलीज किया गया तो देश विदेश में इस फिल्म को लेकर एकदम से हाइप उठने लगा। नेटफ्लिक्स पर देखने के बाद फिल्म को थिएटर में रिलीज करने की मांग उठी और इस फिल्म को दोबारा से थिएटर में लगाया भी गया। फिल्म को देखने के बाद फॉरनर्स की तरफ से वो रिस्पॉन्स देखने को मिला जो साउथ फिल्मों को साउथ स्टेट में उनके फैंस की तरफ से देखने को मिलता आया है। लिटरली वहाँ के लोग स्क्रीन पर चढ़ चढ़ के डांस करने लगे। उन सभी को वो मूवी एक्सपीरियंस मिला जो अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं सकते। दोस्तों, RRR ने इंडिया और इंडियन सिनेमा की इमेज को एक पॉजिटिव तरीके से चेंज करने का काम किया है। इससे पहले तक ज्यादातर फिल्मों में इंडिया को कैसे दिखाया गया, एक गरीब पिछड़ा हुआ देश के तौर पर। यहां RRR उन सभी के मुंह पर तमाचा मारती है जिनकी ऐसी धारणाएं थी। ये फिल्म हमारे देश के कल्चर, संस्कृति, फैमिली वैल्यूज और रिश्तों की बॉन्डिंग को बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है, एज वेल एज फिल्म मेकिंग के सारे पैरामीटर्स को भी पार करती है। RRR आपसे सिर्फ 3 घंटे मांगती है और उन 3 घंटों में आपको एक रोमांचित दुनिया में खड़ा करके रखती है। ये आपके सामने एक अधूरी कहानी पेश नहीं करती, ना ही ये फिल्म अगले पार्ट के लिए कुछ छोड़ के रखती है। ये फिल्म अपने में पूरा मजा 100% सेटिस्फेक्शन के साथ देने का कार्य करती है। हॉलीवुड आज इसीलिए चरमरा रहा है क्योंकि वहां हर कोई ऐसे फिल्म बना रहा है कि अगर ये फिल्म चल गई तो इसका अगला पार्ट यहां तक कि यूनिवर्स ही बना दिया जाएगा। इससे ऑडियंस को थिएटर से बाहर निकलने के बाद एक अनसेटिस्फेक्शन फील होता आ रहा है। यही वजह है कि हॉलीवुड की फिल्में पिछले काफी समय से लैग करती जा रही हैं। सुपर हीरो फिल्मों ने मार्केट को इस तरह से कैप्चर कर लिया है कि ऑडियंस को ना कुछ नया देखने को मिल रहा है और ना ही वे कुछ नया बना पा रहे हैं। इसी के चलते हॉलीवुड काफी लंबे समय से मीडियोकर फिल्में ही देता आ रहा है। ऐसे में RRR जो फील कराती है ये उनके लिए पूरी तरह से नया था। सेटिस्फेक्शन के साथ उनके लिए ये फिल्म अकल्पनीय रही। लोगों के रिएक्शन इस तरह से आने शुरू हुए कि वे कहने लगे कि वे इंडिया की अब और फिल्में देखेंगे। लोग SS राजामौली की पुरानी फिल्मों को देखने की डिमांड कर रहे हैं। इवन बाहुबली को लेकर भी इसी तरह का रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दूं कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही इस फिल्म को ग्लोबली रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया था। जून में ही इस फिल्म ने 45 मिलियन आवर का वॉच टाइम कंप्लीट करके दिखाया था। इसी के साथ नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म को मोस्ट पॉपुलर इंडियन फिल्म का खिताब भी दिया है। इतना ही नहीं, ये इस साल की US की टॉप 5 फिल्मों में शामिल हो चुकी है। दोस्तों, इस फिल्म को विश्व की मोस्ट पॉपुलर नॉन इंग्लिश फिल्म भी मान लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार 10 हफ्तों से ग्लोबली ट्रेंड होने का रिकॉर्ड भी RRR के हिस्से आ चुका है। इतना ही नहीं, ये पहली भारतीय फिल्म है जो देश विदेश की सारी फिल्मों को बीट करते हुए लगातार 3 हफ्तों तक नंबर 1 पोजीशन पर ट्रेंड हुई है। इस फिल्म को ग्लोबली जितना प्यार और एप्रिसिएशन मिला है वो आज तक किसी इंडियन फिल्म को नहीं मिला। थैंक्स टू SS राजामौली सर, जिनकी वजह से RRR ग्लोबली इंडियन सिनेमा को नई दिशा दे पाने में कामयाब रही है। दोस्तों, राजामौली सर की पॉपुलैरिटी अक्रॉस इंडिया में इतनी बढ़ चुकी है कि लोग उनका कंपैरिजन सीधा जेम्स कैमरॉन से करने लगे हैं। आम ऑडियंस से लेकर बड़े बड़े रिव्यूअर और तो और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने SS राजामौली और उनकी फिल्म RRR की भर भर के तारीफ करी है। जेम्स गन, जिन्होंने द सुसाइड स्क्वाड और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उन्होंने भी RRR की तारीफ करी। स्कॉट डायरेक्शन, जो डॉक्टर स्ट्रेंज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इस फिल्म की तारीफ करी। रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने मार्वल की इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी फिल्में बनाई हैं, उन्होंने भी RRR और SS राजामौली की तारीफें करी। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की तरफ से पॉजिटिव आर्टिकल छपे। इसके अलावा सैकड़ों वेल नोन पर्सनैलिटीज की तरफ से भी फिल्म को एप्रिसिएशन मिला। हमिस स्टील, लुल्स इडोरा, एडवर्ड सोनेब्लिक, पैटन ओसवाल, जैक्सन लेजिंग, रोन होगन, लेरी काराशेविस्की, स्टैन केरी,
किथ कार्टर, ब्रेन लंच और जैसन कॉन्सेप्शन जैसे कई सेलिब्रिटीज ने ट्रिपल आर फिल्म का सपोर्ट किया। फॉरनर्स इस फिल्म को 1959 की रिलीजियस एपिक फिल्म बेन हर से भी बड़ी फिल्म बता रहे हैं। दोस्तों, कॉलिडर वेबसाइट लिखती है कि टॉप गन, मार्विक और जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्में ट्रिपल आर के कंपैरिजन में बहुत छोटी हैं। डेडलाइन हॉलीवुड लिखता है कि ट्रिपल आर कहीं पर भी डल नहीं होती, बल्कि ये फिल्म ऊपर ही उठती रहती है। फॉरेन का फेमस पोल्टर पॉलीगन लिखता है कि ट्रिपल आर एक बिजी मूवी है जो अपने कैमरा वर्क, बस्टिंग क्राउड सीन, सेट डिजाइन और सीजीआई से हमें बांधे रखती है। इसी तरह इंडी वायर, द ऑस्टिक क्रॉनिकल, द न्यूयॉर्कर टाइम और द स्क्रीन इंटरनेशनल जैसे बड़े मीडिया हाउसेस ने इस फिल्म के लिए हाईली पॉजिटिव रिव्यू दिए। रोलिंग स्टोन एक आर्टिकल में इस फिल्म को मोस्ट रेवोल्यूशनरी फिल्म ऑफ 2022 बता गया। इसके अलावा भी द डेट्रॉइट न्यूज, इजराइल न्यूज़पेपर, हैरेट्स, कॉमिक बुक रिसोर्सेज और आयरिश टाइम्स जैसे न जाने कितने पोर्टल ने इस फिल्म की तारीफ करी। ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक इन फॉरेनर लोगों के रिएक्शन अभी तक आने बंद नहीं हो रहे। इन रिएक्शन के सैकड़ों वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ लाखों ट्वीट्स आप ट्विटर पर पढ़ सकते हैं। ट्रिपल आर को ग्लोबली जिस लेवल का रिकॉग्निशन मिल रहा है वो अद्भुत तो है ही, साथ ही साथ इसने इंडियन सिनेमा की इमेज को भी बदल दिया है। हिस्टोरिकल इवेंट्स और हमारी पौराणिक कथाओं का रेफरेंस ये फिल्म जितनी खूबसूरती से दिखाती है वो शानदार है। बेसिकली कुछ पॉइंट्स में अगर चर्चा करें कि इस फिल्म को इतना ज्यादा क्यों पसंद किया जा रहा है, तो उसमें सबसे मेन पॉइंट है थिएटर एक्सपीरियंस। दोस्तों, SS राजामौली की फिल्म सभी इंडियंस को ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स को भी 3 घंटे तक बैक टू बैक थिएटर एक्सपीरियंस देती है। वो एक्सपीरियंस जो लोगों ने कभी फील ही नहीं किया था, या यूं कहें कि काफी लंबे समय से इस तरह का सिनेमा बनना बंद सा हो गया था। रामचरण की एंट्री पॉइंट और उनका फाइट सीक्वेंस, जूनियर NTR के एंट्री सीन्स, नाचो नाचो डांस, ट्रेन सीक्वेंस, इंटरवल पॉइंट और क्लाइमैक्स में भगवान राम और हनुमान जी का रेफरेंस। SS राजामौली और उनके पिता ने पता नहीं किया, मगर इतना जरूर कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया था जो अकल्पनीय था। फिल्म वहीं से पिकअप पकड़ती है जहां रामचरण अकेले लाखों की भीड़ में कूद जाते हैं। जूनियर NTR की एंट्री सीक्वेंस हो, शेर के साथ लड़ाई हो या फिर जंगल का सीक्वेंस, सब कुछ बियॉन्ड इमेजिनेशन था। जब वो ट्रेन सीक्वेंस होता है, वहां पर भी बियॉन्ड इमेजिनेशन ही एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। मैंने अपने रिव्यू में ही कहा था कि इंटरवल पॉइंट किसी ने अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। लिटरली अंग्रेजों की पार्टी में जूनियर NTR जिस तरह से जानवरों की भीड़ लेकर कूदते हैं वो वाकई में शानदार था। जितनी भी ऑडियंस ने उस सीन को 3D में देखा होगा, सीरियसली वे अपनी पूरी लाइफ में भूल नहीं सकते। इसके ऊपर से रामचरण और जूनियर NTR की फाइट सीक्वेंस और उसमें आग और पानी का रेफरेंस, ये आग और पानी का रेफरेंस लेकर जो एक्शन दिखाया गया वो इसको और भी ज्यादा शानदार बनाता है। मैंने इस फिल्म के दौरान क्या फील किया वो डिस्क्राइब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन SS राजामौली सर ने तो उसे स्क्रीन पर प्ले करके दिखाया है। और वो नाचो नाचो सॉन्ग्स, एक ऐसा सॉन्ग जिसने मुझे ही नहीं बल्कि अंग्रेजों को भी स्क्रीन पर नाचने पर मजबूर कर दिया। एक एक बीट और एक एक डांस सीक्वेंस जो इतने स्टाइलिश और फास्ट पेस में रखा गया वो इंसान को थिरकने पर मजबूर कर ही देता है। इसके अलावा भाई साहब क्लाइमेक्स, जूनियर NTR का रामचरण को कंधे पर उठाकर फाइट सीक्वेंस, रामचरण का भगवान राम के गेटअप में होना और जूनियर NTR में हनुमान जी की छवि का दिखना, दोस्तों ये सारी चीजें मिलकर हमें वो थिएटर एक्सपीरियंस देती है जो हम कभी भूल नहीं सकते। मैं इस फिल्म के एक्सपीरियंस को कभी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकता। इन्हीं सब चीजों ने फॉरनर्स को भी शॉक करके रख दिया। दोस्तों, इसी फिल्म के थिएटर एक्सपीरियंस पर मेरा एक डिटेल वीडियो आने वाला है। उस वीडियो में हम आपके थिएटर एक्सपीरियंस को भी आपके नाम के साथ स्क्रीन पर शेयर करेंगे। आपको बस करना इतना है कि आप अपने नाम के साथ अपना थिएटर एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।